हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मैं जितेंद्र। और क्या आप जानते हैं जिस चेन लुब्रिकेशन का आप 150-200 रुपए फ्री सर्विस के टाइम पे देते हैं वो एक्चुअल में फ्री होता है? हाँ जी, आपने सही सुना, वो फ्री होता है। ऐसे ही सर्विस में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होती हैं एंड आपको लग रहा है वो कर रहे हैं एंड उसका कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है एंड जाने अनजाने में आपने वो गलती की हुई है एंड वो आइडिया नहीं है। तो सर्विस में क्या क्या चीजें पॉइंट कवर की जाती हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि सर्विस गाड़ी की हुई है कि नहीं, वारंटी में कौन कौन से पॉइंट कवर किए जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में आने वाले हैं। तो कोई भी यूजर हो, सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए नहीं, मैं जितने भी यूजर्स हैं जो कार, बाइक या दूसरी कोई भी गाड़ी आप यूज करते हो, तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज यहाँ मिलेंगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव आप तक पहुंच सके तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट से मैं जरूर स्टार्ट करना चाहूंगा कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, और कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। सबका कॉस्ट आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पे करते हैं, तो कोई भी सर्विस फ्री नहीं है। जो आप स्टार्टिंग की फोर सर्विस होती है वो भी फ्री नहीं होती है, उसका कॉस्ट आपसे पहले ही ले लिया जाता है, उसके बाद में आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि चेन लुब्रिकेशन का आपको कॉस्ट जो है एक्चुअल में वो फ्री होता है, मगर आप पे करते हैं 150-200 रुपए, उसको पहले प्रूफ करता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं आगे। जो कि मेरे तीन टॉपिक रहेंगे, जो कि रहेगा सर्विस साइड पे एंड रहेगा PDIR, जो कि इंपॉर्टेंट चीज होती है कि गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपकी सेफ्टी पे डिपेंड करता है, वो आएगा। एंड उसके बाद आएगा वारंटी, जो कि एक थर्ड और बहुत ज्यादा, जिसको जो लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, उस पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि वो लुब्रिकेशन का आपको पे करने जो नहीं होती, ये जैसे कि आप जानते ही होंगे ये यूजर मैनुअल है हर गाड़ी के साथ में, चाहे वो बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, उसके साथ में ये आता ही है। तो उसमें ये जो आप स्लिप देख रहे हैं ये सेकेंड फ्री सर्विस की है, ठीक है। सेकेंड फ्री सर्विस के पीछे अगर आप देखेंगे, ये स्लिप जो होती है ये फाड़ के निकाल ली जाती है, ठीक है, फिल यहाँ पे डाटा फिल किया जाता है एंड निकाल ली जाती है। इसके पीछे जो होता है सेकेंड फ्री सर्विस एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज आपकी गाड़ी में होने वाली है इस फ्री सर्विस में या सेकेंड सर्विस में, फिर थर्ड सर्विस में भी वैसे ही डिटेल दिया जाएगा। तो इस सर्विस में फोर्थ पॉइंट अगर आप जब इसमें फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है कि रेयर ड्राइव चेन फ्री प्ले, ठीक है। एंड उसमें आता है चेक, पहले इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद उसको क्लीन करेंगे, पूरा क्लीन करना होता है, उसके बाद लुब्रिकेट करना होता है, लुब्रिकेशन उसमें करना होता है, उसके बाद आता है लास्ट में एडजस्ट। ये चीजें इसके अंदर फ्री में आती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, जिसका आपसे 150-200 रुपए चार्ज किया जाता है। मैं ये हर शोरूम में नहीं होता है, मगर कई शोरूम में होता है। कई लोगों ने जब मुझे इनवॉइस भेजा हुआ है तब मैंने वो चेक किया और डिटेल चेक करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये तो फ्री में आता है तो आप उसका क्यों पे कर रहे हो, ठीक है। और चेन लुब्रिकेशन मींस में वो चेन जो लुब्रिकेशन डाल रहे हैं वो लुब्रिकेट, वो इंजन ऑयल नहीं डालना होता है, वो ड्राई चेन लुब्रिकेशन ही करना होता है। जो रॉयल एनफील्ड का स्प्रे आता है वो स्प्रे ही इसके अंदर लगेगा, और वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चेन लुब्रिकेशन अगर आप पे कर रहे थे तो वो पे बिल्कुल मत करिए, बिकॉज वो फ्री में होता है। और वो हर एक सर्विस में, चाहे आप पेड सर्विस में भी कराए, तो पेड सर्विस का अगर 600, 700, 750 अगर आप पे कर रहे हो पेड सर्विस का, तो 750 के अंदर ही इंक्लूड होके आता है वो कॉस्ट। दोस्तों ये जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, जो बहुत बड़ा जो धोखाधड़ी हो रही है, जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे आपको बचिए। एंड एक और चीज में इसी मैनुअल में कवर होता ही है, इसी मैनुअल में एक और चीज कवर होता है, जैसे कि वो जो चेकलिस्ट है आपकी गाड़ी में वो सर्विस हुई है कि नहीं, उस किलोमीटर में सेकेंड सर्विस में, थर्ड सर्विस में, फोर्थ सर्विस, फिफ्थ सर्विस, सिक्स, सेवन्थ, एट सर्विस में क्या क्या कवर करना है, कौन से किलोमीटर में क्या चीज चेंज करनी चाहिए, इंस्पेक्ट करनी चाहिए, लुब्रिकेट करना चाहिए या फिर एडजस्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर ही दी होती हैं। अगर आप इस मैनुअल को अगर आप एक बार खोलेंगे तो आपको 27 पेज पे यहां पर एक डिटेलिंग दी हुई है किलोमीटर वाइज, कौन से किलोमीटर पे क्या चीजें इंस्पेक्ट करना चाहिए, लुब्रिकेट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर डिटेल दी, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करके ही सिर्फ मेंटेन करवाते हैं, ठीक है, या मेंटेन करते हैं, जैसे मैं हूं तो मैं खुद सर्विस करने की कोशिश करता हूं, अपनी गाड़ी के खुद सर्विस करूं, क्योंकि मुझसे बेटर सर्विस सेंटर वाला नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसा ही सेम आपका है, क्योंकि मेरे लिए गाड़ी एक है एंड सर्विस सेंटर वालों के लिए ये हजारों में एक है, ठीक है। तो वो हजारों में एक की तरह इसको ट्रीट करेंगे एंड मैं
मेरे लिए एक है तो मैं उसको वैसे ट्रीट करूंगा, उतने प्यार से उसको क्लीन करूंगा, उतने प्यार से उस चीज को अच्छा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इसको राइड करना है। तो सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, एंड कॉस्ट, ये तीनों को मैं एक बैलेंस बना के चलूंगा, समझे। तो ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था कि सर्विस में कई चीजें दिखाई जाती हैं बट एक्चुअल में वो होती नहीं है। जैसे कि सर्विस में जब आप सर्विस पर्सन पूछेंगे इसके अंदर आता क्या है, तो वो क्लीनिंग, वॉशिंग एंड इंजन ऑयल के अलावा ज्यादा कुछ नहीं करते, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। आप कभी भी गाड़ी का चेक करवा लीजिएगा, अगर आपने कोई पॉइंट हाईलाइट कर दिया बाय चांस, जैसे कि आपने बोल दिया मिसिंग का प्रॉब्लम है, तो कुछ चीजें इंस्पेक्ट हो जाएंगी, कुछ चीजें देखी जाएंगी, अदरवाइज उन चीजों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है, इसकी वजह से जो गाड़ी की जो लाइफ हो गई है, जो रॉयल एनफील्ड ही नहीं दूसरी कोई भी गाड़ी हो गई उसकी लाइफ जो हो गई है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बिकॉज ऊपर के क्लीनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अंदर के मेंटेनेंस पे, ये जो हार्ट है गाड़ी का, जो हार्ट है उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक कुछ पॉइंट्स की बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अगर आप फ्रंट से लेकर एंड तक देखा जाए तो बहुत सारे एरियाज हैं जिनको रेगुलरली मेंटेन करना होता है, जैसे कि आपका फ्रंट का डिस्क का जो डिस्क पैड्स होते हैं, या फिर आगे अगर ड्रम ब्रेक लगा हुआ तो ड्रम के जो शूज़ होते हैं, ड्रम ब्रेक के शूज होते हैं, उसका अच्छे से उसको सैंड पेपर से क्लीन करना होता है ताकि वो अच्छे से ग्रिपिंग ले सकें, ठीक है। हेडलाइट्स होते हैं, वायरिंग्स होते हैं, आपके इंजन के स्पार्क प्लस होते हैं, ठीक है, कार्बोरेटर ट्यूनिंग्स होती हैं, कार्बोरेटर की क्लीनिंग होती है, और TPS की सेटिंग होती है, ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें तो चेन का प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए, प्ले टाइटनेस सब कुछ चेक होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं छोड़ी बोली। लुब्रिकेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंस्पेक्शन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, इंजन ऑयल तो ठीक है एक छोटा, बहुत छोटा पार्ट्स है, मगर वो है छोटा बट एक्चुअली मेजर इंपैक्ट देता है आपके राइडिंग में। तो इस मैनुअल को अगर आप एक बार रीड करते हैं तो आपको सर्विस पॉइंट भी क्लियर होता है। तो अब हम आते हैं जो मेरा सेकेंड पॉइंट था, मेन पॉइंट, दैट इज PDIR, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जो कि लोग नहीं चेक करते हैं, हार्डली 1% लोग ही चेक करते हैं, कि जो आपको डिलीवरी से पहले जो इंस्पेक्शन किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं गाड़ी देने से पहले, जो कि ये नए यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हो तो PDIR डिमांड करो, ठीक है। जो डिलीवरी से पहले इंस्पेक्शन होता है, सिंपल लैंग्वेज बोले तो डिलीवरी से पहले जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है वो मांगिए, ताकि गाड़ी में कोई फॉल्ट है कि नहीं, एक्चुअल में वो आइडेंटिफाई किया गया है नहीं किया गया है वो आपको पता चल सके। देखो सामने से वो लोग नहीं देंगे, वी हैव टू डिमांड, ठीक है, हमको डिमांड करना पड़ेगा, देन ओनली वो हमको वो प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रोवाइड करना आपका टोटली हक बनता है, बिकॉज यू आर बाइंग, ठीक है, एक आइटम आप बाय कर रहे हो, एंड आपको जानना सुनिश्चित करना कि वो सही है कि नहीं, और तो आपका टोटली हक बनता है, ठीक है। अब उसके बाद ये आ गया PDIR का, जो कि लोग नहीं डिमांड करते और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि इंस्पेक्शन होना चाहिए। अब हम आते हैं वारंटी पॉइंट के ऊपर। वारंटी पॉइंट देखिए, वारंटी इज टोटली अ पॉइंट, कोई भी चीज अगर आप ये गाड़ी बाय कर रहे हो, इसमें 2 ईयर्स की वारंटी आपको मिलती है, 24 मंथ्स की आपको वारंटी मिलती है, एंड 24 मंथ्स में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मीन्स इफ इट इज इंजन, ठीक है, इंजन है या फिर यू नो व्हील है, व्हील की बेयरिंग्स है, ठीक है, या सस्पेंशन है, ये सब भी चीज वारंटी में कवर होती है, मगर इसमें हर एक में नॉर्म्स होते हैं, चीजें होती हैं, कई चीजें इसमें कवर नहीं होती हैं वारंटी में। वारंटी कवर्स ओनली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। कई लोगों को बहुत ज्यादा मिथ है कि सर ये तो हो जाना चाहिए, ये तो हो जाना चाहिए, एंड अब हम बात करते हैं लैप्स क्यों हो जाती है वो वारंटी। लैप्स होने का एक और रीजन ये है कि जितने भी आप मॉडिफिकेशन करते हो, इफ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पार्ट, इफ इट इज रिलेटेड टू इंजन, तो वो वारंटी लैप्स हो जाती है वहां पे वारंटी कवर नहीं होती। आपने अलॉय व्हील लगाया हुआ है गाड़ी में, वारंटी टोटली लैप्स है। आपने शोरूम से भी लगाया हुआ है, ठीक है, एनो कंपनी का ओरिजिनल नहीं है, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल नहीं है, तो वारंटी लैप्स है। कोई भी कंपनी जो पार्ट प्रोवाइड कर रही है उसके अलावा कोई भी आप चेंजेस करवाते हैं, जैसे लेग गार्ड करा रहे हैं, हैंडल बार चेंज करा रहे हैं, ये इनसे वारंटी लैप्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्टिंग आइटम्स हैं, ठीक है, ये कोई मेन रोल अदा नहीं कर रही है आइदर इंजन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो आप ऐसे मॉडिफिकेशन अगर आप करवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसके अलावा कोई अगर आप करवा रहे हैं तो वारंटी लैप्स हो जाती है। तो जब आप वारंटी क्लेम कराएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर वो आपने प्रूफ कर दिया कि वो कंपनी का डिफेक्ट है, तो वो कंपनी को चेंज करना पड़ेगा विद इन
टू ईयर्स के अंदर अंदर कोई भी ऐसी चीज होगी तो कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। आप चाहें तो वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है, टोटली अप टू यू। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि रेदर देन सर्विस सेंटर से सर्विस कराने से अच्छा है कि लोकल मैकेनिक्स जो अच्छे होते हैं, जो यू नो टोटली डिपेंड्स होते हैं इसी चीज के ऊपर और कस्टमर सर्विस के ऊपर, उनसे आप वहां से करवाइए, बहुत अच्छा रहता है। सर्विस प्रॉपर मिलती है, आंसर्स भी प्रॉपर मिलते हैं, क्वेश्चंस भी आपको प्रॉपर मिलेंगे वहां पर। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, लोकल सर्विस की भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे अच्छे अच्छे उस्ताद हैं, मैकेनिक हैं, जो गाड़ी को अच्छे जानते हैं और गाड़ी को ठीक करना उनका एक क्या बोलते हैं पैशन होता है, वर्क होता है, तो वहां से भी आप सर्विस करवा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि ताकि आप तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो आप तक शेयर कर सकूं, एंड आई होप आप तक वो कन्वे भी हो गया होगा, पास भी हो गया होगा, एंड आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये व्लॉग। तो दोस्तों ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। कोई भी एक्सपीरियंस आपके साथ है, कोई बैड एक्सपीरियंस है, वो जरूर मुझे शेयर करिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन वैलिडेट होती है तो जरूर मैं उस पर एक अच्छा व्लॉग बना के बाकी लोगों को भी मैं शेयर करूंगा। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट ग्रुप।